सेक्स कब करना चाहिए, खाने के बाद में या खाने के पहले? इसके बाद में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोगों के सवाल हमको आते रहते हैं जब हम ऑडियो वीडियो कॉल्स पर बातें करते हैं लोगों से, और उसमें सवाल आते हैं कि भाई सेक्स कब करना चाहिए, कब अच्छा है। और ज़्यादातर लोगों का ये रहता है कि घर जाते हैं, खाना खाते हैं बहुत भरपेट, फिर टीवी देखते हैं, फिर बहुत लेट बेड पर जाते हैं और बाद में फिर सेक्स करते हैं। तो ये आइडियल नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। एक तो क्या है कि आप दिन भर के थके हुए होंगे और बहुत थक भाग के घर में आए हैं, फिर लेट खाना खाया, बहुत भरपेट खाना खाया, फिर टीवी देख रहे हैं और फिर बाद में फिर बेड पर जा रहे हैं। तब तक पत्नी भी बहुत थकी हुई है, आप भी थके हुए, आपके ऊपर स्ट्रेस टेंशन है। ऐसे हालत में बेड पर जाना ठीक नहीं, आइडियल नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक तो बेड पर जब जाते हैं तब थके हुए नहीं जाना चाहिए। थका हुआ है वह, कब नींद आती ऐसा है, और तभी भी सेक्स करने की इच्छा है और सेक्स करना ऐसा नहीं करना है। और दूसरा, हरदम खाने के पहले सेक्स करो। जब खाना खाना है तो खाने के पहले सेक्स कर लो, बाद में खाना खाओ आराम से, या फिर खाना कम खाओ। क्योंकि बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खाया तो मूवमेंट इतनी चाहिए वैसी होती नहीं है, क्योंकि बहुत भरपेट खाना खाया तुरंत बेड पर गए। और दूसरा यह है कि जैसा खाना खाने के बाद में अपने को सुस्ती आती है, तो सुस्त होते तो सभी पूरे बदन ही सुस्त होता है ना, दिमाग भी सुस्त होता है। फिर ऐसे इसमें चांसेस ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब लैंगिक कमजोरी आने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए फिर आइडियली खाना खाने के पहले करना चाहिए, या फिर बहुत कम खाना खाना चाहिए और उसके बाद में सेक्स करना चाहिए। और वैसे भी हम बोलते हैं डाइट के बारे में जब चर्चा करते हैं तब, कि रात का खाना जो है वो एकदम कम खाना चाहिए, एकदम कम, जस्ट इनफ। और नहीं तो फिर आइडियल टाइम जो है सेक्स करने का वो है सुबह, क्योंकि सवेरे सेक्स हॉर्मोन्स भी ज़्यादा बढ़े रहते हैं, फ्रेश लगता है, नींद हुई रहती है। तो ऐसे समय आपने सुबह उठ के सेक्स किया तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।